अवैध रूप से चल रहे नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर लड़भड़ोल पुलिस ने लड़भड़ोल निवासी से बरामद की 1 किलो 487 ग्राम चरस। साथ ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस चौकी लड़भड़ोल प्रभारी मुंशी राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को गांव चनहोना के समीप एक कार की तलाशी ली तो पुलिस ने कार के डैशबोर्ड से 174 ग्राम चरस बरामद की और कार मालिक से पूछताछ करने के बाद पुलिस द्वारा व्यक्ति के घर तलाशी पंचायत प्रतिनिधियों की अगुवाई में भी ली गई, जहां पुलिस ने 1 किलो 313 ग्राम और चरस बरामद की। पुलिस चौकी लड़भड़ोल प्रभारी मुंशी राम ने बताया कि व्यक्ति के कार और घर से कुल 1 किलो 487 ग्राम चरस बरामद की गई है। साथ ही व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि लड़भड़ोल में एक व्यक्ति से 1 किलो 487 ग्राम चरस बरामद की गई है और चरस के आरोपी को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक जसवाल, प्रधान ग्राम पंचायत सिमस। आज बड़े हर्ष के साथ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से लड़भड़ोल पुलिस ने जो कारनामा आज कर दिखाया है, जो पिछले कई समय से एक जो नशे के जो सौदागर लड़भड़ोल क्षेत्र में बैठे थे उनको जो उन्होंने पकड़ा है, सबसे पहले तो लड़भड़ोल पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा है, जिससे हजारों की संख्या में जो क्षेत्रवासी हैं उनकी उनको दुआएं लगेंगी कि काफ़ी लंबे समय से जिस सौदागर को पकड़ने के लिए मंडी पुलिस, जोगिंद्रनगर पुलिस और भड़ोल पुलिस प्रयास करते रहे थे, जो आज दिन तक नाकाम रहे थे, आज भड़ोल पुलिस ने वो कारनामा करके दिखाया है। लगभग 1 किलो से ऊपर की जो भांग होती है, जो खेप पकड़ी गई है, उसके लिए लड़भड़ोल पुलिस को मैं एक बार फिर शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इलाके की एक बहुत बड़े नशे के सौदागर को पकड़ा है। और आने वाले समय में मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में जो छोटी मोटी मछलियाँ हैं उनको भी ये पकड़ेंगे, जिससे जो हमारे युवाओं का जो भविष्य खराब हो रहा है वो भविष्य उनका उज्जवल हो। जय हिंद, जय माता दी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट।